सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग स्टाइलिश नेम कैसे बना सकते हो जो कि प्रोफाइल पे लिखते हैं, जो कि ओला पार्टी हो गया एंड चेटचैट एप्लीकेशन पे भी आप लोग लिखते हो, रेव एप्लीकेशन हो गया, फोर फन हो गया, सुगो एप्लीकेशन हो गया, यूयो एप्लीकेशन हो गया, इन पे आप लोग स्टाइलिश नेम कैसे लिख सकते हो गाइस, आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। एंड आप लोग गेमिंग भी यूज करते हो, गेम खेलते हो, ठीक है, गेमिंग में भी स्टाइलिश नेम लिखते हो, तो गाइस ये भी आप लोग बताओ किस तरीके से आप लोग नेम बना सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो, जो कि एक ब्रांड नेम होता है, ठीक है। तो एक ब्रांड नेम कैसे बनाना होता है आज की इस वीडियो में गाइस यही बताऊंगा, आप लोग किस तरीके से बना पाओगे। सो गाइस, आप लोग करना क्या है, सिंपली सा इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे ऐसी वीडियो आती रहती है और ऐसी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाओगे गाइस, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस। और अपने भाई का नाम सबसे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है बिरजू भास्कर, आप देख रहे हैं चैनल बीके टिप्स एंड ट्रिक। तो गाइस, आप लोगों को करना क्या है, सिंपली सा देखो, एप्स को कहां से डाउनलोड करना, जो एपीके बता रहा हूँ उस एपीके कैसे डाउनलोड करना ये भी बताऊंगा, और आप लोग कहां पे मिलेगा ये भी बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं एपीके को जो कि डाउनलोड ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, ये वाला एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लिया, कुछ इस टाइप से ये एप्लीकेशन आपके सामने हो जाता है, मतलब ओपन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है गाइस, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, देन आप लोग इस एप्लीकेशन को मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर नाम कैसे बना सकते हो, ठीक है गाइस, तो यही बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो, खुद की तरफ से गाइस आप लोग क्रिएट करना चाहते हो नाम, कोई भी हो गया, जैसे कि आप लोग खुद की तरफ से क्रिएट करोगे नाम, ठीक है, तो आप लोग खुद की तरफ से क्रिएट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं गाइस, ठीक है। अगर खुद की तरफ से नाम क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले खुद की तरफ से नाम क्रिएट कर रहे हो गाइस, देखो सबसे पहले एक इमोजी आप लोग अपने हिसाब से जनरेट करते हो, आप लोग सभी लोग करते हो, ठीक है। तो आप लोग इमोजी अपने हिसाब से एक जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जो कि इमोजी यहाँ पर मिल जाता है, इमोजी पे क्लिक करके एंड इमोजी पर आप लोगों को एक फीचर मिल जाता है इमोजी, एंड आप लोग इमोजी पर आप लोग कोई भी जैसे कि ये इमोजी मैं रख लेता हूँ, ठीक है, ये अच्छी इमोजी लग रही है मुझे काफी, एंड आप लोग ये इमोजी रख लेना है, देन आप लोग ये इमोजी रखने के बाद आप लोग इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये किया है, एंड आप लोग इसके अंदर यहाँ पर भी आकर के आप लोग इस तरीके से एडजस्ट करना, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो गाइस, ठीक है, देन आप लोगों को इतना करना है, देन आप लोगों को यहाँ पर भी एडजस्ट कर देना है, ठीक है, जो कि देख सकते हो मैं इस तरीके से इसके अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इमोजी के अंदर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपनी तरफ से, एंड आप लोगों को यहाँ पर देखो नेम कैसे बनाना है, ठीक है गाइस, सबसे पहले समझ लो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है, इन टेक्स्टों को आप लोगों को डालना है, जैसे कि हम लोग डालते हैं, चलो मैं बनाता हूँ क्यूट वीके, ठीक है गाइस। तो अभी मैं यहाँ पर क्यूट वीके लगाता हूँ, तो क्यूट वीके किस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को देखो देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखते जाइए। तो आप लोग सबसे पहले देखो क्यूट वीके के लिए आप लोगों को सबसे पहले सी लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप लोग सी ले लेना, ठीक है। तो सी को लेने के बाद आप लोगों को यू लेना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग यू वाला जो कि फॉन्ट ले लेते हैं छोटे अक्षरों में, ठीक है, एक मतलब यूनिक सा नेम बनाना तो छोटे अक्षरों में लेना, पहला एक अक्षर बड़ा ले लेना, ठीक है, कैपिटल, एंड आप लोगों को छोटा फिर स्मॉल लेना, ठीक है। तो उसके बाद गाइस देखो इतना स्पेस आप लोग दे सकते हो इसके अंदर, स्पेस दे करके, या आप लोग इसमें एक जो ये वाला जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जो कि आप लोगों को काफी अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके डैश लगा देना, जैसे कि आप लोग स्पेस दे देना, ठीक है, या आप लोग ये जनरेट कर सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए, देन आप लोग इतना जनरेट करना है, देन आप लोग जनरेट करने के बाद हम लोग लिखते हैं क्यूट वीके, मैं वीके लिखने वाला था, ठीक है, तो हम लोग वीके के लिए बड़ी वी लगाता हूँ, फिर के छोटी लगाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर छोटी के लगाया, एंड आप लोगों के सामने इतना किया, देन आप लोगों को इमोजी पे जाना है, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पे इमोजी पे जाता हूँ, तो इमोजी पे भी मैं यही इमोजी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, देन आप लोगों के सामने यही इमोजी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक गाइस। तो आप लोग इमोजी के अंदर जो मैंने बताया था कुछ स्टेप से इनको एडजस्ट कर देना अपने हिसाब से, जो कि नेम भी अच्छा लगे, ठीक है, मैंने ये बताया था गाइस। तो आप लोग ये भी आप लोग एडजस्ट कर देना, ठीक है, देन इतना कर लोगे गाइस, तो आप लोगों को देखो यहाँ पर क्लिक करना है, देन आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देखो इसको जनरेट करना है, ठीक है, देख सकते हो इसको आप लोग जनरेट कर देना, जिससे आप लोगों को नीचे की तरफ जो कि डेड डेस्क का आ रहा है, ठीक है, डेड डेस्क वाले को जो कि जनरेट करोगे तो आपका नेम जो है काफी खतरनाक बन के रेडी हो जाएगा गाइस, देख सकते हो कितना हमारा नेम मस्त लग रहा है, ठीक है, तो हमारा नेम कितना अच्छा लग रहा है। चलो हम इसको ना इस पे जैसे कि देखो गाइस, आप लोग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे फॉन्टों में भी लिखते हैं लोग, ठीक है, तो ऊपर और नीचे साइड में जनरेट करते हैं, वो भी आप लोग बताऊंगा वो भी कैसे लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस नाम को मैंने कॉपी कर लिया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से अब, ठीक है, तो मैंने इतना करा, एंड आप लोगों के नाम बना के दिखाया, ठीक है। तो गाइस देखो आप लोगों को अब
एक और चीज बताता हूँ किस तरीके से आप लोग छोटे वाले नेम्स को फॉन्ट के जो कैसे लिख सकते हो, जो कि ऊपर की साइड में क्यूट लिख देते हैं, ऊपर की साइड में IM लिख देते हैं, MR लिख देते हैं, मिस्टर लिख देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, एंड डेविल भी लिखते हैं। तो गाइस उनको कैसे बनाना है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो देखो आपको, देखो कोई भी फॉन्ट ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर धीरज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस दादाई यहाँ पर लिख दिया मैंने धीरज, ठीक है, तो देख सकते हो धीरज में लिख दूंगा कुछ इस टाइप से, तो गाइस आप लोगों को इनके अंदर ना फॉन्टो को ना देखना पड़ेगा, ध्यान से आप लोग फॉन्टो को देखोगे तो आप लिख पाओगे, ठीक है। तो मैंने धीरे लिखा एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं इस पेज पे ले आता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो मैंने धीरज लिखा, देन आप लोग धीरज के अंदर चलो मैं कोई इमोजी डाल देता हूँ बेस्ट सा जो अच्छा लगे हमें इमोजी, ठीक है, जैसे कि मैंने इमोजी डाल दिया ये वाला, ठीक है, तो ये वाला मैंने इमोजी डाल दिया एंड आप लोग ये वाला इमोजी डाल सकते हो या जैसे कि मैं वाइन वाला डाल देता हूँ इसमें, जो कि वाइन वाला है, ठीक है, जो कि मैं ये वाइन वाला डालूंगा जो कि मुझे काफी अच्छा लगेगा, मुझे ये भी अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये वाला मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाइन वाला मैंने इमोजी डाल दिया, देन आप लोग वाइन वाला इमोजी डाला, देन यहाँ पर जाकर सेम वही प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, सेम डैश वाला सिस्टम आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है, ये लगा सकते हो अपनी जो कि नेम को बनाने के लिए काफी अच्छा लगता है, सेम यही आप लोगों को नीचे तरफ रखना है जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और इनको ना मतलब डैश डैश करके इनको ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है आपकी तरफ आगे की तरफ, ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें कुछ कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इनको कैसे भरना है, यहाँ पर क्लिक करके एंड आप लोग इसके अंदर एडजस्ट करना जो कि आप लोगों का नाम अच्छा लगेगा, ठीक है। देन आप लोग देख सकते हो मैंने वाइन नाम बना के बताता हूँ आप लोगों को, ब्रांड लगेगा, ठीक है, जैसे कि वाइन वाला नाम बना सकते हो, ठीक है, जैसे गज यहाँ पर मैंने किया एंड आप लोगों के सामने ये डैश रख दिया, ठीक है, ये अच्छा लगा हमें यहाँ तक। तो इसके अंदर देखो हॉट लिखना है, जैसे कि हॉट लिखना है, ठीक है, तो हॉट कैसे लिख सकते हो, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले देखो एच लेना पड़ेगा, तो आप लोगों को एच लेना है एंड आप लोग यहाँ पर एच लगाना एंड गाइस ये वाला मैं नाम बता रहा था वो लगाना, ठीक है, तो आप लोग टी लिख सकते हो एंड आप लोगों को टी देखना पड़ेगा, तो हॉट, तो देख सकते हो यहाँ पर हॉट भी लिख के आ गया है, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें एक ऐसा जनरेट कर सकते हो आप लोग अपनी तरफ से जो कि बीच में कट करने वाला जो होता है, ठीक है, बीच में जो कट करते हैं वो नेम कैसे जनरेट करें, ठीक है। तो गाइस उसके लिए ना आप लोगों को करना क्या है, सिंपली सा अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। और आप लोग कोई भी आप लोग नेम बनवाना चाहते हो अपना एक प्यारा सा नेम कमेंट जरूर कर देना, जो कि आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसका जो भी नाम है ना आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना और उसका भी मैं नेम अगली वीडियो में बताऊंगा बना करके, ठीक है, किसी का एक जो एक या दो नेम बना करके मैं जरूर बताऊंगा गाइस, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान से जरूर कर लेना, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग नेम बना सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोडिंग करना है वो आप लोगों को मैं इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मेरी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां पर जाइए एंड वहां पर जाने के बाद देख सकते हो मैं नाम पहले कॉपी कर लेता हूँ और अपनी प्रोफाइल पर लगा के दिखाता हूँ। पहले तो देखो ये बताऊंगा किस तरीके से डाउनलोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी शेयर चैट पे चले जा, शेयर चैट तो खैर अभी इसमें ओपन होगा तो इसमें प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर चले जाता हूँ मैं इस वाले क्लोन पे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं चला गया, देन देख सकते हो मैं अपनी प्रोफाइल पे आ गया, ठीक है गाइस, मैंने मेरी प्रोफाइल पे आ गया। देन हमारी प्रोफाइल पे हमारे पे क्रिएटर जो लग चुका है टेक्नोलॉजी वाला क्रिएटर भी हमारे पास है। तो गाइस यहाँ पर क्लिक किया, देन आप लोगों ने यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देन आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से मैं नाम लिखता हूँ देख सकते हो, ठीक है, तो मेरा नाम लिख के आ गया, ठीक है, काफी अच्छा भी लग रहा है हमारा नाम, देख सकते हो काफी अच्छा नाम लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं बता देता हूँ दोबारा करके, ठीक है, दूसरा नाम जो मैंने बनाया था वो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे नेम्स बनाए हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी खतरनाक लग रहे हैं। सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एक कमेंट जरूर प्यारा सा कर देना। और आप लोगों को एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोडिंग करना है, आप लोगों को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है APK के नाम से, APK डाउनलोडिंग कैसे करें, तो वो APK डाउनलोडिंग लिंक आप लोग वहां पर क्लिक करो, वहां पर जाकर के क्लिक करके आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे की तरफ जाओगे इंस्टॉल कर दो, तो नीचे की तरफ जाओगे तो आप लोग डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो डाउनलोडिंग कर लेना इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउनलोडिंग नहीं होता है तो इसका भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप लोग कमेंट कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।
एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।